जय महाराष्ट्र। मी शैलजा जोगल। राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आणि या कार्यक्रमात आपण नेहमीच राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडितजी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज भी कुछ खास विषयों पर आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि नाणार का जो प्रोजेक्ट है, एकंदरीत बीजेपी को नाणार का प्रोजेक्ट नाणार गांव में लाना है और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध है, तो आप क्या बताएंगे, नाणार का भविष्य क्या है, नाणार होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्वलंत सवाल है और आज हर रोज अखबारों की सुर्खियों में ये आप देखती हैं कि आप खुद भी न्यूज़ पढ़ती हैं तो आपको आप बोलती होंगी। जब हम नाणार प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस साल के संवत की बात करते हैं। इस साल का जो संवत है उसका राजा सूर्य है और मंत्री जो है वो शनि है। और एक सिंपल सी बात है, योग युति शनि भौम की, यानी अभी मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। विग्रह विविध प्रकार, राज मंत्र मंजे राजनीति के मंत्र, राज मंत्र में आपदा मंच विश्व संचार, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों में आपसी मतभेद ये ग्रह पैदा करते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और उसके साथ में उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं, और उससे भी बड़ी बात जब हम शरद पवार हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ और लाड़के नेता उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, और पर्टिकुलरली नाणार के जब हम लैटीट्यूड एंड लॉन्जीट्यूड को देखते हैं, क्योंकि हर ग्रह की एक दिशा और दशा होती है, उस दिशा और दशा लॉन्जीट्यूड और लैटीट्यूड को देखते हैं तो एक बात पक्की है कि इलेक्शन अभी 2019 में आने वाले हैं, यानी केंद्र में भी और पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन आपको दिखाई दें। इलेक्शन के दौर की बात करें, संबत की बात करें, शनि और मंगल की बात करें, शनि और सूर्य की बात करें, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में बहुत सी मुसीबतें जो हैं वो सामने आती हुई नज़र आती हैं। ये प्रोजेक्ट के होने के जो चांसेस हैं वो नाम मात्र कम 20-25% हैं, 65% ये ना होने के योग हैं। इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को बहुत बड़ा लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जैसे वहाँ का किसान, वहाँ का आम आदमी, वहाँ के आम आदमी की समस्याएं, वहाँ के आम आदमी की एग्रीकल्चर लैंड, इन सब समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये शो जो है ये राजनीतिक, आपने बोला ना राजनीतिक घड़ामुड़ी पर हम ये शो करते हैं, तो जिसके कारण बहुत सी बातों को देखते हुए उन्होंने बोला कि आप विदर्भा लेकर चले जाइए साहब, हमको नहीं चाहिए ये रिफाइनरी, अगर आपने ही मुझे अभी बोला तो। डेफिनेटली इसमें बहुत सी अड़चनें आती हुई दिखाई देती हैं और उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो इसमें प्रबल होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो खुद भी वहां गए और विरोध किया, और बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे जब विरोध करते हैं तो डेफिनेटली उसमें उनको सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। यहाँ तक ये होने की बात है, उसमें ना होने के योग जो हैं वो ज़्यादा है बनिस्बत होने के। अभी पंडित जी, फिलहाल कर्नाटक का इलेक्शन वो अभी आया है और इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या बीजेपी को ये इलेक्शन में, चुनाव में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या बताएंगे आप? देखिए, ये सवाल हमने पिछले 4 से 5 शो में रोक के रखा हुआ था। मुझे लगता है कि शैलजा जी आपके माध्यम से ही ये हमने भविष्यवाणी करनी थी। वहाँ पर जब हम बड़े बड़े नेताओं की कुंडली का अध्ययन करते हैं उसमें सबसे बड़े नेता सिद्धिरमैया हैं। सिद्धिरमैया वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धिरमैया की कुंडली का अध्ययन करते हैं और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जो हैं वो डीके शिवकुमार हैं, जिन्होंने अहमद पटेल को जिताने में 100% अपना प्रयत्न किया और अहमद पटेल जीते। एक दबंग नेता, बहुत सी समस्याओं से जूझ कर भी उन्होंने एक ज़माने में विलासराव देशमुख की मदद की थी, और बहुत सी समस्याओं से जूझ कर भी कांग्रेस के सबसे बड़े सिपाहसालार हैं डीके शिवकुमार। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं इस वक्त वहाँ पे वो चुनाव के स्टार कैंपेनर हैं। और इन दोनों की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और उसके ऑपोजिट येदुरप्पा की कुंडली का अध्ययन करते हैं, जिनके ऊपर अभी भी माइनिंग के केस चल रहे हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे वहाँ पर, और आज भी वही हैं, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का जो है येदुरप्पा है,
और उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी वहाँ पे जो है, जो कुछ पार्टियाँ ऐसी होती है ना कि जिनके माध्यम से सरकारें बनती हैं और जिनके माध्यम से सरकारें टूटती हैं, जैसे आपने देखा होगा गोवा में सुदीन डावलीकर की पार्टी का नाम है महाराष्ट्र गोवांतक पार्टी, उसी के साथ में एक गोवा फ्रंट वाले हैं वहाँ पे। तो छोटी छोटी जो प्रांतीय पार्टियाँ हैं जिनको एक कोने कोपरे में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, 5-7, 2-3, गोवा में जैसे इनको 2 लोग मिले, वहाँ पर देवी गौड़ा तो इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा कुमारस्वामी, इन दो, क्योंकि कर्नाटका से हम महाराष्ट्र के नज़दीक है इसलिए वहाँ से बहुत से लोग हमें विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो देवी गौड़ा और कुमारस्वामी, कुमारस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पूरा समावेश जब हम करते हैं, सिद्धिरमैया की कुंडली, डीके शिव कुमार की कुंडली, येदुरप्पा येदुरप्पा के लड़के की कुंडली, देवी गौड़ा देवी गौड़ा के लड़के की कुंडली कुमारस्वामी की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नेक टू नेक फिनिश में जीतती हुई दिखाई देती है। और ये महसूस होता है कि जैसे आप अभी कह रही थी मुझे कि वहाँ पे राहुल जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास, हाँ, चुनाव जीतने के लिए वो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी ये सक्सेस मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने देखा होगा कि गुजरात के इलेक्शन में सांसें अटक गई थी बीजेपी की, और यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली एक तो सिद्धिरमैया की कुंडली, दूसरा डीके शिवकुमार की कुंडली, तीसरा उन्होंने जो एक पासा फेंका लिंगायत को, एक अलग धर्म के लिए उन्होंने जो संधि दी, संधि क्या मतलब, ये तो सनातन धर्म ही है लिंगायत, भगवान शिव के वंशज हैं ये लोग, तो डेफिनेटली वो एक पासे से बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और बीजेपी के कुछ लोग जेडीएस में आ गए हैं, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। अगर कहीं कुछ 1-2-5 सीट कम भी होती हुई दिखाई देती हैं तो कुछ अन्य या अपक्ष जो हैं खड़े कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस बार तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुमारस्वामी और देवी गौड़ा भी नाराज चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अनंत कुमार भी वहाँ के कर्नाटका के बहुत बड़े अभी तो केंद्र में मंत्री हैं। इन सब की कुंडलियों का हमने अध्ययन किया है और उसके बाद में ये अब तक भविष्यवाणी पहुँचाई है कि कहीं ना कहीं कर्नाटका का इलेक्शन जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी परास्त हो सकती है, और कहीं ना कहीं कुछ अन्य 1-2-5 सीट और स्वीप भी कर सकती है, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने स्वीप किया था, तो वातावरण वहां पे इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में है। जरूर, राजमंत्रामध्ये आपल्याला पंडित राजकुमार शर्मा हे मार्गदर्शन करतात, त्यांच्याकडून आपल्याला अधिक मार्गदर्शन जाणून घ्यायचंय, पण दुर्तास वेळ झाले एका छोट्याशा ब्रेकची। ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी राजमंत्रामध्ये माझ्यासोबत होते पंडितजी राजकुमार शर्मा आणि ते आपल्याला मार्गदर्शन करत होते, त्यांच्याशी आपल्याला अजून देखील बातचीत सुरू ठेवायची। पंडितजी, क्या बताएंगे आसारामजी बापू को, अभी उम्र कैद की सजा हुई है, आसारामजी बापू का अगला भविष्य क्या है? आसारामजी बापू कहना ही मुझे तो डर लग रहा है, उनको जी कहना चाहिए या बापू कहना चाहिए, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, इसलिए मैं तो उनको आसाराम ही कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में कुछ लोग संत बने और उन्होंने संत की गरिमा को धूमिल कर दिया, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर एक बट्टा लगा दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ और इस दर्द को महसूस करता हूँ कि जिस तरह से आसाराम बापू साहब के ऊपर, साहब क्या कहना, आसाराम जी के ऊपर जिस तरह की के आरोप लगे, जिस तरह उनके लड़के नारायण साईं के ऊपर आरोप लगे, इस बात के लिए मैं राजमंत्र के माध्यम से और पूरे हिंदू समाज के माध्यम से सबसे बड़ा खंडन करता हूँ कि इस तरह आप अपने गुरु की गरिमा को संभाल कर चलिए। गुरु का मतलब होता है गु और रू, यानी जो व्यक्ति आपको अंधकार, गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी, अंधकार से रोशनी की तरफ लाता है उसको गुरु कहते हैं, अगर उसी के ऊपर बलात्कार जैसे घिनौने आरोप साबित हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। मगर मेरा सवाल आसाराम बापू का क्या होगा,
बापू कहते हुए भी मुझे यहाँ पर शर्म आती है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं और उनके ऊपर उम्र कैद की सजा घोषित हो चुकी है। हमने पिछली बार बलात्कार होने के बाद बच्ची के ऊपर, 12 साल की बच्ची के ऊपर बलात्कार होगा तो उसको फांसी होगी, 16 साल की उम्र की बच्ची के ऊपर बलात्कार होगा तो उसको उम्र कैद होगी, 16 साल के बाद 15, जो भी है यहाँ पर उनको उम्र कैद हुई है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि महर्षि व्यास ने जो भागवत में लिखा है कि जब व्यक्ति घोर कलयुग की तरफ बढ़ेगा तो संत जो हैं वो घिनौनी हरकतें करेंगे, डाकू संत बन जाया करेंगे और संत जो है वो दिखेंगे नहीं। कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है कि सिंहन के लेहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, हिरन की बोरी नहीं, साध न चले जमात। साधु की संज्ञा क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। एक भगवे कपड़े पहनकर दाढ़ी बढ़ाकर कोई साधु नहीं बन जाता। मैं यहाँ पर थोड़ा इस बात की निंदा खंडन इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को आगे जाकर आप मेरे दर्शक, मेरे भाई जो इस शो को एंजॉय करते हैं, गुरु बनाने से पहले ये सोच लें कि उसके अंदर गुरु बनने की शक्ति है, गुरु बनने के काबिल है। तो जो उनके ऊपर इस वक्त आरोप लगे हैं आसाराम के ऊपर, वो डेफिनेटली घिनौने हैं। और आपने यहाँ पर ये भी एक बात कहनी थी कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म उनको सपोर्ट कर रहा है उनको, और क्या लग रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, सनातन धर्म और हिंदू धर्म, उनका ये कहना है कि आसाराम को ट्रैप किया गया है, उसके ऊपर षड्यंत्र किया गया है। मैं उन सब धर्म के ठेकेदारों को और उन सब संस्थाओं को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस तरह के कार्यों में अपनी प्रशंसा या अपना सपोर्ट मत करें, क्योंकि ये आरोप तय हो चुका है। उस बच्ची ने टेलीविज़न के ऊपर सामने आकर ये बात जो है वो बोली है, और यही नहीं, उनके बेटे के ऊपर भी आरोप तय हो चुके हैं। आसाराम के ऊपर जो आरोप तय हुए हैं, उनके पास जो मेरी कुंडली है वो सिंधी समाज से हैं, और उनके बेटे की भी कुंडली मेरे पास है। अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आसाराम जी जो हैं उनको एक बात पक्की है कि 2020 के बाद कोई ना कोई रोग, यानी किसी न किसी तरह से, क्योंकि अष्टम और छठा घर कुंडली में जो है उसके ऊपर देखा जाता है कि आदमी की उम्र कितनी है और आदमी को कौन सी बीमारी लग सकती है। 2019 अप्रैल मई के बाद में आसाराम जो है उनको डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी सेहत से जूझना पड़ सकता है और बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ सकता है। जो लोग उनके लिए नारे लगाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरह के शिष्य बनने के भी काबिल हैं। और जो जेल के बाहर आकर, कोर्ट के बाहर आकर वो आसाराम के डेफिनेटली ठेकेदार हो सकते हैं, धर्म के पालन करने वाले नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ पर आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि धर्म, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है जो इस विश्व का सबसे पौराणिक धर्म है, यहाँ से वेद निकले हैं, यहाँ से मनुस्मृति निकली है, यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई है, इस धर्म से हजारों धर्म निकले हैं। इस धर्म का पालन करने के लिए जो जज साहब ने निर्णय लिया है, जैसे शनिवार को हम ये शो करते हैं, शनि दंडाधिकारी है, आसाराम को सजा हो चुकी है और डेफिनेटली उसके अनुयायियों को, अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो वो उनके अनुयायी नहीं हैं। गुरु को पहचानने की कोशिश करें, और उसके बेटे को भी सजा होती हुई दिखाई देती है। ये मैं कुंडली के, क्योंकि ये ज्योतिषीय कार्यक्रम है, कुंडली के प्रमाण से बोल रहा हूँ, उनकी उनकी कुंडली के प्रमाण से उनकी भविष्यवाणी कह रहा हूँ। मोदी जी ने जो ये कदम उठाया, जयपुर का, भोपाल का, इंदौर का, अहमदाबाद का, बड़ौदा का, उनके जितने भी आश्रम हैं उनको सरकार ने अपने पास ले लेना चाहिए और जितने अकाउंट हैं वो सीज कर देने चाहिए। ये तो मेरे सलाह है, मगर यहाँ पर डेफिनेटली 2020 के बाद आसाराम जी की मुसीबतें और बढ़ेंगी। उनका बेटा जो है उसको भी जेल होती हुई दिखाई देती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसे लोगों को जरूर। पंडित जी, राजमंत्रामध्ये माझ्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा, आणि यांच्याकडून आपल्याला अजून देखील मार्गदर्शन जाणून घ्यायचे। तुर्तास वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची।
राजमंत्र मध्ये ब्रेकवरती जाण्यापूर्वी माझ्यासोबत होते पंडित राजकुमार शर्मा आणि ते आपल्याला मार्गदर्शन करत होते आसाराम जी बापू के बारे में. हम बात कर रहे थे आसाराम को तो अभी उम्र कैद हो चुकी है पर हिंदू धर्म है जो भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारे बाबा पीछे लगे हैं और ऐसे बाबा अभी जेल में सड़ रहे हैं. तो आप क्या बताएंगे ये कौन से बाबा है और उनका क्या भविष्य होगा? देखिए यहाँ तक धर्म की बात है. धर्म को समझ लेना बहुत जरूरी है. अगर आप धर्म को नहीं समझते तो आप डेफिनेटली गुरु को भी नहीं समझ पाएंगे. आप भेड़ चाल अनपढ़ता. बुद्धा सेड वेरी क्लियरली, परसों बुद्ध जयंती है, बुद्धा सेड वेरी क्लियरली ए पर्सन हु इज इलिटरेट, जो अनपढ़ है वो अंधा है. इसलिए अपने बच्चे को शिक्षा दें, अपने बच्चियों को शिक्षा दें कि किसी भी ये पोंगे पंडित और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें. अब आपने सवाल किया कि और भी बाबा हैं. देखिए भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात लिखी थी भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य अगलानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, साधुना विनाशाना, साधुओं और संतों की जब बेइज्जती होती है तो मैं यहाँ प्रकट होता हूँ. मगर यहाँ कलयुग में ऐसे साधु अडंबर करके बैठे हुए हैं जिसने करोड़ों खरबों रुपए की जायदाद बनाई हुई है. एक संत आसाराम बापू, संत कहने की भी जिनके लिए मेरे को बोलने के लिए भी थोड़ी सी शर्म आती है, एक संत आसाराम बापू और दूसरे एक बाबा राम रहीम जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई आपने देखा होगा, वो ऐसे बाबाओं के पीछे लगकर आप अपने धर्म का, अपने परिवार का, और कई बाबा ऐसे हैं जैसे और सामने आते हुए दिखाई देते हैं जो कि अपने आश्रम छोड़कर भाग चुके हैं, हाथ ही नहीं आए. और कई माएँ ऐसी हैं, यहाँ पर माँ भी बनी हुई हैं कुछ स्त्रियाँ, जो अपने धर्म को छोड़कर आडंबर करते हुए दिखाई देते हैं. उनका अनुसरण मत करें क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार रही, अगर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को जेल का मुंह देखना पड़ सकता है, उम्र कैद हो सकती है. इन लोगों से दूर रहें. और एक बात समझ के लें कि आपको अपने परिवार को देखना है. आपकी, अगर आपका गुरु आपकी स्त्री के ऊपर, आपकी बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहा है तो कितनी बड़ी घिनौनी बात है. जरूर पंडित जी, जाते जाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगला जो हफ्ता आने वाला है वो शेयर मार्केट के लिए और जो अपना सोने चांदी का कमोडिटी मार्केट है इसके लिए कैसा रहेगा, कौन सा तेज और कौन सी हानि इसमें हो सकती है? देखिए हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोला था कि 35,000 पार कर जाएगा और वो 35,000 पार कर गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35,500 का अगला मेरा आंकड़ा है और नीचे का आंकड़ा जो है वो 34,700 का है. बाजार अभी नीचे बहुत ज़्यादा जाता हुआ दिखाई नहीं देता. एक बार 35,800 की जो लेवल है वो पार करता है तो डेफिनेटली आपको और कॉन्शियस रहना पड़ेगा. स्क्रिप्ट वाइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसी तरह स्टॉप लॉस रख के काम करें. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 10,692 हो गया. 10,600 हमारी प्रेडिक्शन थी पिछली बार. 10,750, 10,800 होता हुआ दिखाई देता है अगले 15 दिनों में. ये हफ्ते 10,750 भी हो सकता है और नीचे का स्तर जो है वो 10,525 का दिखाई दे रहा है. अब सोने की बात करें तो 31,211 सोना हुआ है. थोड़ा नीचे ऊपर जा रहा है मगर अगले एक से दो महीने में 32,000 का आंकड़ा 10 ग्राम सोना पार करेगा. अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये अगले एक साल में 35,000 रुपीस पर 10 ग्राम भी हो सकता है. अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, अपने लिए सोना आप आज भी खरीद सकते हैं. चांदी 39,004 पे बंद हुई और ये वापस 40,000 का आंकड़ा पार कर सकती है. क्रूड ऑयल जंप मार रहा है जो जिसके लिए आम आदमी त्रस्त हो रहा है. 4,650 ऊपर का आंकड़ा और 4,450 नीचे का आंकड़ा है. आप अपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो अपने कंसल्टेंट को अपना दिमाग लगाकर ट्रेडिंग करें. आपकी हानि और लाभ में जय महाराष्ट्र या पंडित राजकुमार शर्मा उसमें किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते. मगर डेफिनेटली हमारी प्रेडिक्शन जो है, आप 99% कह रही हैं यहाँ पर शेयर मार्केट की, 99% सही हुई हैं. अनुसरण करके हमारी भी आप सलाह आप जोड़ सकते हैं. बिल्कुल पंडित जी, आपण पाहिलं राजमंत्रामध्ये आज माझ्यासोबत होते
पंडित राजकुमार शर्मा आणि त्यांनी आपल्याला आपल्या स्टुडिओमध्ये येऊन खूप छान मार्गदर्शन केलं. त्यांच्याकडून वेगवेगळी माहिती जाणून घेता आली आणि पुढच्या आठवड्यात आपण नवीन विषयासह पंडितजी राजकुमार शर्मा यांच्यासोबत पुन्हा भेटणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.